तो सेकेंड एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं नियोंग अन्योंग से पूछती है क्या अब हम दोनों साथ हैं। तो ये सुनकर अन्योंग हाँ या ना में कुछ आंसर नहीं दे पाती है। तो नियोंग अभी आंसर देने को मना करती है कि जब अन्योंग कंफर्टेबल हो जाएगी तो वो आंसर दे सकती है। और ये भी पूछती है क्या अब मैं तुम्हारे घर पर शिफ्ट कर लूँ। तो अन्योंग ना कहती है कि अभी नियोंग को ग्रैंड मा के साथ रहना चाहिए और जब भी नियोंग को मिलने का मन हो तो वो आ सकती है। और ये सब कहकर नियोंग को सोने को कहती है। और नेक्स्ट डे अन्योंग नियोंग के घर पर आती है और ग्रैंड मा नियोंग को देखकर पूछती है क्या तुम्हारा प्रोजेक्ट कैसा गया। तो नियोंग सब बढ़िया बताती है। और हमें पता है नियोंग अपने प्रोजेक्ट के नाम पर अन्योंग के साथ क्या क्या की है वो सब पता है। और बेचारी ग्रैंड मा को और बेचारी ग्रैंड मा से नियोंग स्टडी के बहाना करके अन्योंग के साथ थी। तो ग्रैंड मा इन दोनों को अंदर आने को कहती है और नियोंग फिर से एग्जाम का बहाना करके ग्रैंड मा से अन्योंग के घर पर स्टे करने के लिए परमिशन मांगती है। तो ग्रैंड मा अन्योंग को डिसाइड करने को कहती है कि अगर अन्योंग को प्रॉब्लम ना हो तो नियोंग कुछ दिन के लिए उसके घर पर रह सकती है। तो अन्योंग परमिशन दे देती है। तो अन्योंग नियोंग को घर पर लेकर आती है और नियोंग को अपने फ्रेंड के डॉटर कहकर आंटी निम से इंट्रोड्यूस करवाती है और नियोंग के लिए रूम रेडी करने को कहती है। तो ये सब सुनकर नियोंग को अच्छा नहीं लगता है कि अन्योंग सच नहीं बताई। और नियोंग तो अन्योंग नियोंग को होम लाइब्रेरी में लेकर आती है और अन्योंग नियोंग से कुछ कहने मांगती है बट वो नहीं कह पा रही होती है। तो नियोंग अन्योंग को देखकर कहती है मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। अगर तुम्हें हमारे रिलेशन के बारे में सबसे हाइड करना है तो ठीक है बट ज़्यादा लेट नहीं करना। मैं हमारे बारे में सबसे कहना चाहती हूँ कि तुम सिर्फ मेरी हो। और यह सब कहकर नियोंग पूछती है तुम रूम को सेपरेट कर दी तो मैं कैसे तुम्हारे पास आऊँगी। तो ये सुनकर अन्योंग खुद रात को नियोंग के रूम में आने का बात करती है। और ये सब कहकर जैसे ही नियोंग को किस करने के लिए आगे बढ़ती है तो नियोंग इग्नोर कर देती है जिस वजह से अन्योंग ऑकवर्ड फील करने लगती है और नियोंग ये सब देखकर हंसने लगती है। और जब नियोंग अन्योंग के घर देख रही होती है तो वो खाली रूम को देखकर रूम के बारे में पूछती है। तो अन्योंग सैम के रूम के बारे में बताती है और नियोंग को रूम के अंदर जाने को मना करती है। तो नियोंग एक और रूम को खाली देकर पूछती है तो अन्योंग ये देखकर अपसेट हो जाती है और बताती है कि ये रूम सॉन्ग का है जो मेरी सिस्टर थी बट अब वो नहीं रही। तो ये सुनकर नियोंग कंसल करने लगती है और अन्योंग नियोंग को उसके रूम के अंदर लेकर आती है। तो इसके बाद ये दोनों शॉपिंग करने बाहर आती है तभी वहाँ पर अन्योंग की फ्रेंड वान अन्योंग को देखकर उसके पास आती है और नियोंग इन दोनों को बात करते हुए देखकर जेलस फील करने लगती है। तो ये देखकर नियोंग नाराज़ होकर वहाँ से जाने लगती है। तो अन्योंग नियोंग को वहाँ से जाते हुए देखकर उसके पास आती है और पूछती है कि अब तुम्हें क्या हो गया। तो नियोंग कहने लगती है ये वही है ना जो उस दिन मेरे सामने तुम्हें फ्लाइंग किस दी थी और तुम दोनों में क्या चल रहा। तो अन्योंग ये सब सुनकर कहती है क्या तुम जेलस फील कर रही। तो नियोंग सीरियस होकर पूछती है। तो अन्योंग नियोंग को जेलस होने को मना करती है क्योंकि अन्योंग और वान दोनों ही सिर्फ फ्रेंड है और काफ़ी टाइम बाद वो दोनों मिली तो इस वजह से कभी कभी हैंग आउट करती है बट फिर भी ये सब सुनकर नियोंग बिलीव नहीं करती है। तो अन्योंग नियोंग को वॉशरूम में लेकर आती है और कहती है जो मैं तुम्हारे साथ कर सकती हूँ वो कभी भी उसके साथ नहीं कर सकती और कभी भी बेकार का शक करने को मना करती है। और यह सब कहकर जैसे ही दोनों बाहर आती है तो वहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो इन दोनों की बातें सुन लेती है और इन दोनों को देखकर वहाँ से चले जाती है। और नियोंग अन्योंग से पूछती है क्या वो हमारी बातें सुन ली। अगर ऐसा है तो ये अच्छा ही है एटलीस्ट कोई तो होगा जिसको हमारे बारे में पता हो। और इस बारे में सोचकर नियोंग खुश होने लगती है। और इसके बाद जब ये दोनों शॉपिंग करके घर वापस आती है तो नियोंग लाइब्रेरी में से कुछ बुक रीड करने के लिए चूज कर रही होती है और अन्योंग अपने फैमिली फोटो को देखने लगती है। तो यह देखकर नियोंग अन्योंग के पास आती है और सॉन्ग के पर्सनैलिटी के बारे में पूछती है कि सॉन्ग किस तरह की पर्सन थी क्या वो बिल्कुल अन्योंग की तरह थी। तो अन्योंग बताती है सॉन्ग अन्योंग से बिल्कुल अपोजिट थी वो काइंड और काम टाइप की पर्सन थी। अगर तुम और सॉन्ग पहले मिली होती तो सॉन्ग तुम्हें ज़रूर पसंद करती। और यह कहकर अन्योंग बुक डिसाइड करने में नियोंग को हेल्प करने लगती है। और इसके बाद नियोंग नोवेल रीड कर रही होती है तो नियोंग को कुछ लाइन समझ में नहीं आता है तो इस बारे में नियोंग अन्योंग को समझाने को कहती है। और यहाँ पर नियोंग इतनी बदमाश है कि वो अन्योंग से किस के बारे में पूछने लगती है कि ये कैसे किया जाता है। तो अन्योंग ये सुनकर नियोंग के तरह ही नोटी होकर नियोंग को परेशान करने लगती है। तो नियोंग ये देखकर अन्योंग को रोकती है और नोवेल रीड करने लगती है। और नेक्स्ट डे अन्योंग नियोंग को यूनिवर्सिटी ड्रॉप करती है और अन्योंग नियोंग को एक ब्रेसलेट पहनाती है और नियोंग को अब अंदर जाने को कहती है। तो नियोंग अन्योंग को क्लोज आकर चीक पर किस करके वहाँ से चली जाती है जिस वजह से अन्योंग बाहर में ऑकवर्ड फील करने लगती है। और इसके बाद अन्योंग सैम और मोन से बाहर में मिलती है और सैम नियोंग के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पर है। तो अन्योंग बताती है उसका एग्ज़ाम है इसलिए वो साथ में नहीं आई। तो ये सुनकर सैम कहने लगती है कि अब तो नियोंग के बारे में अन्योंग को सब कुछ पता है। तो मोन कहती है
कुछ दिन पहले सैम आंट नीम के पास कॉल की थी तो आंट नीम से पता चला नियोंग अभी तुम्हारे साथ पैलेस में है और ये भी पूछती है क्या नियोंग अब पैलेस में रहने वाली है। तो अन्योंग ना कहती है। नियोंग कभी कभी मिलने के लिए आ सकती है और अभी का बात है तो वो सिर्फ एग्जाम के वजह से पैलेस में स्टे करके है। तभी सैम अन्योंग को परेशान देखकर पूछती है कि कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही। तो अन्योंग कहती है मुझे नहीं पता जो मैं कर रही वो सही है या गलत। जब से नियोंग मेरे लाइफ में आई तब से मेरे हार्ट पर खुद का कंट्रोल नहीं है। नियोंग हमें अपने लाइफ पर फोकस देने को कही बट ये सब सही नहीं लग रहा। तो ये सुनकर सैम समझाती है कि हमें दूसरे के बारे में ना सोचकर अभी अपने बारे में सोचना चाहिए, तुम इस वक्त अपनी खुशी के बारे में सोचो। तो ये सुनकर अन्योंग को सैम की बातें समझ में आती है या नहीं वो हमें आगे के नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगी। तो इसके बाद अन्योंग जब घर पर होती है तो वो अपना काम कर रही होती है। तभी नियोंग अन्योंग के पास आती है और उसे काम करते हुए देखकर पूछती है कि तुम क्या कर रही। तो अन्योंग बताती है कि वो अपने गैलरी शॉप के लिए डिज़ाइन बना रही। तो ये सुनकर नियोंग पूछती है तुम कब से गैलरी ओपन करने का डिसाइड की। तो अन्योंग कहती है मैं ओपन करने या ना करने में कन्फ्यूज हूँ, अगर ओपन कर दी तो मेरे पास जितना भी पैसे है वो सब ख़त्म हो जाएंगे। तो यह सुनकर नियोंग चारों तरफ देखकर कहती है कि तुम इतना अमीर होकर भी प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात कर रही, ये कुछ ज़्यादा ही अजीब है। और ये सब कहते हुए नियोंग अन्योंग को गैलरी शॉप के लिए कुछ आइडियाज़ देने लगती है। तो जब रात हो जाती है तो अन्योंग नियोंग को घर तक ड्रॉप करती है और नियोंग एक रात और अन्योंग के घर पर स्टे करने का बात करती है। तो अन्योंग पूछती है कल सैटरडे है तो ग्रैंडमा को क्या रीज़न देगी। तो नियोंग क्लब एक्टिविटीज़ कहती है। तो ये सुनकर अन्योंग बैड हैबिट कहकर झूठ बोलने को मना करती है और घर के अंदर जाने को कहती है। तभी नियोंग अन्योंग के चिक पर फिर से किस करती है। तो ये देखकर अन्योंग नियोंग को बाहर में किस करने को मना करती है कि अगर ग्रैंडमा इस तरह से देख ली तो तब क्या होगा। तो ये सुनकर नियोंग मान जाती है और घर के अंदर चली जाती है। और नेक्स्ट डे अन्योंग नियोंग के यूनिवर्सिटी उसे लेने के लिए आती है और नियोंग अन्योंग को देखकर एक्साइटेड होकर उसके पास आती है और अन्योंग कहती है तुम जब भी मुझे पिक करने आती हो तो सब तुम्हें देखने लगते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता तो तुम आया नहीं करो। तो ये सुनकर अन्योंग नियोंग को जेलस होने को मना करती है क्योंकि अन्योंग की नज़र सिर्फ नियोंग की तरफ होती है। तो नियोंग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ये दोनों घर पर आती है। और यहाँ पर अन्योंग नोवेल को देखकर पूछती है क्या तुम पॉडकास्ट के लिए नोवेल रीड करना स्टार्ट कर दी। तो नियोंग हाँ कहती है और ये नोवेल के बारे में अन्योंग को बताती है ये सैफिक नोवेल है। और ये जो नोवेल हम देख रहे हैं जो नियोंग रीड कर रही इस नोवेल पर ही ब्लैंक द सीरीज अडेप्शन है। खैर जब ये दोनों एक दूसरे से बातें कर रही होती है तो तभी आंट नीम इन दोनों के पास आकर चेट के बारे में कहती है कि वो अन्योंग से मिलने के लिए आया। तो ये दोनों आंट नीम को देखकर नॉर्मल हो जाती है और चेट अन्योंग के पास आता है और अन्योंग को लंच के लिए इन्वाइट करता है। तो अन्योंग सैन से मिलने का कहकर मना कर देती है। तो चेट नियोंग को अपने घर पर इन्वाइट करता है तो नियोंग भी मना कर देती है कि वो अभी चेट के फैमिली से मिलने के लिए तैयार नहीं है। तो चेट नेक्स्ट टाइम चलने को कहता है। तभी चेट नोवेल बुक को देखकर कहता है कि ये सैफिक नोवेल है तो तुम इस तरह की नोवेल क्यों रीड कर रही। तो ये सुनकर अन्योंग कहने लगती है नियोंग यंग है तो वो कुछ भी रीड कर सकती है, हम उसे मना नहीं कर सकते। तो ये सब सुनकर चेट वहाँ से चले जाता है। तो अन्योंग नियोंग को सैम के पास लेकर आती है और यहाँ पर सैम और मोन को इन दोनों के रिलेशन के बारे में सब पता है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे, बट फिर भी सैम इन दोनों के मुँह से सुनने के लिए कहने लगती है पता नहीं क्यों अन्योंग तुम्हारे लिए पॉजिटिव होकर है, तुम दोनों में आखिर क्या चल रहा, तुम्हारे एक्शन को देखकर तो कुछ और लग रहा। तो ये सुनकर अन्योंग कुछ और सोचने को मना करती है कि अन्योंग और नियोंग में कुछ नहीं चल रहा। तभी नियोंग सब सच बताती है कि वो दोनों डेट कर रहे। तो ये सुनकर अन्योंग कहने लगती है तुम्हें ये सब नहीं कहना चाहिए था। तो नियोंग कहती है तुम अपने सिस्टर से कुछ नहीं छुपाती तो मैंने सब सच बता दिए। तो यहाँ पर इन दोनों को देखकर सैम और मोन दोनों ही मज़े लेने लगती है। और जब रात हो जाती है तो हम सैम और मोन को देखते हैं। यहाँ पर सैम मोन से कहती है नियोंग अन्योंग के लिए सबसे बेस्ट लाइफ पार्टनर है। तो ये सुनकर मोन कहती है नियोंग अभी यंग है और स्टूडेंट है तो वो अपने लाइफ में बहुत से लोगों से मिलेगी और अन्योंग और नियोंग में बहुत ज़्यादा एज गैपिंग है तो इन दोनों के रिलेशन का सक्सेस होना इम्पॉसिबल है। तो ये सुनकर सैम अपसेट हो जाती है कि मोन और सैम में भी एज गैपिंग है। तो जिस तरह से मोन नियोंग और अन्योंग के रिलेशन को इम्पॉसिबल बता रही तो शायद मोन आगे चलकर सैम से ब्रेकअप कर ले। तो यही सब सोचते हुए सैम पूछती है अगर हम अपना देखें तो हम दोनों का भी एज गैपिंग है तो क्या तुम आगे चलकर मुझे छोड़ दोगी। तो ये सुनकर मोन कहती है ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती। तो ये सुनकर सैम रिलैक्स फील करती है और वहीं अन्योंग को देखते हैं जो सॉन्ग के रिलेटेड बैड ड्रीम देख रही होती है। तभी उसका नींद टूट जाता है और अन्योंग लाइब्रेरी में आकर सॉन्ग के फोटो को देखकर रोने लगती है। तभी नियोंग वहाँ पर आती है और अन्योंग को रोते हुए देखकर उसके पास आकर बैठती है
और अन्योंग के मन में जो भी कुछ है वो सब शेयर करने को कहती है। तो अन्योंग कहती है, जैसा तुम मेरे बारे में सोच रही हो वैसा मैं नहीं हूँ। मैं अच्छी पर्सन नहीं हूँ। मैं अपने प्रॉब्लम से पीछा छुड़ाने के लिए घर छोड़कर भाग गई और मेरी सिस्टर के ऊपर सारा प्रेशर आ गया। अगर मैं सिस्टर को अकेले नहीं छोड़ती तो शायद सॉन्ग अभी हम सबके साथ होती। और अन्योंग ये सब कहकर अपने आप को ब्लेम करने लगती है कि नियोंग ऑलमोस्ट अन्योंग की वजह से पैदा नहीं होने वाली थी और सॉन्ग अन्योंग की वजह से मरी, और अपने आप को ब्लेम करते हुए माफ़ी मांगती है। तो ये सुनकर नियोंग कहती है, सॉन्ग कभी भी नहीं चाहेगी कि तुम इस तरह से अपने आप को ब्लेम करो। सॉन्ग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता होगा। जो कुछ भी हुआ वो सब पास था। हमें अपने बुरी यादों को भूल जाना चाहिए। और ये सब कहकर नियोंग हमेशा अन्योंग के साथ रहने का प्रॉमिस करती है। तो ये सब सुनकर अन्योंग बहुत इमोशनल हो जाती है और नियोंग को हग करती है। और इसी तरह से टाइम पास होता रहता है और हम देखते हैं अन्योंग का गैलरी ओपन हो गया और सब अन्योंग को कंग्रेचुलेट करते हैं। तभी वान अन्योंग के पास आती है और अन्योंग को अपने फ्रेंड से मिलाने लगती है। और ये सब देखकर नियोंग जेलस होने लगती है और जेलस होकर ड्रिंक करने लगती है। तो यहाँ पर अन्योंग नियोंग को ड्रिंक करते हुए देखकर उसके लिए परेशान हो जाती है। तो जब पार्टी ख़त्म हो जाता है तो अन्योंग नियोंग को घर पर लेकर आती है। तो नियोंग कहने लगती है कि अन्योंग डॉक्टर वान से बात क्यों की, वो दोनों इतने क्लोज क्यों है। तो अन्योंग नियोंग को रूम के अंदर चलने को कहती है, बट नियोंग कहीं नहीं जाती है और कहती है अन्योंग सिर्फ नियोंग की है, और ये कहकर किस करने लगती है। तो अन्योंग पीछे हटाती है बट नियोंग नहीं सुनती है। तो ये देखकर अन्योंग कहती है, अगर तुम्हें यही चाहिए तो ठीक है, और ये कहकर नियोंग को किस करने लगती है। तभी आंट नीम इन दोनों को किस करते हुए देख लेती है और अब ये दोनों बुरी तरह से फंस चुकी है कि आंट नीम को सब पता चल गया। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म होता है। तो इन दोनों को किस करते हुए पकड़े जाने के बाद सिचुएशन कंट्रोल होता है या कंट्रोल का बाहर, वो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह सीरीज़ कैसी लगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।